राजेश्वरी देवी जिंदाबाद, राजेश्वरी देवी जिंदाबाद। बाप रे, सुनो लोगों, सुंदर राज की बेटी गर्भवती है बिना शादी के। मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आपकी बेटी बिन ब्याह गर्भवती है, ऐसा कहता है बजरबट्टू लोगों से। आप कहिए कि ये सच नहीं है, हम लोग बजरबट्टू की खोपड़ी तोड़ देंगे। जवाब दे, चुप क्यों है? इसकी खामोशी इसके माँ बनने का सबूत है। किसका पाप तेरे पेट में है? आपके मुंह बोले भाई, सूरत से मुझे प्रेम है, मुझसे शादी करने वाला है वो, ये उसी का बच्चा है, सच कहती हूँ। खामोश, खुद किए गुनाह का इल्जाम सूरज पे थोप रही हो। सूरज से ही सच बुलवा लूंगी। सूरज रात में लौट रहा है शहर से, आज रात ही तेरी बात को झूठ साबित करूंगा, उसके बाद तुमको देख लूंगा और तुम्हारे बाप को भी। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ? मुझे कैसे मालूम कि तुम सुंदरराज की लड़की से प्रेम करते हो? अगर नहीं जानते तो चुप रहना था, उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हो? लोगों के सामने जाकर सच बताना पड़ेगा। नहीं, सुंदरराज की लड़की बिन ब्याहे माँ बनने वाली है, ये हमने पर्ची पर छपा दिया है। इसका तो पूरे गांव में प्रचार हो गया, इसी पॉइंट पे तो हम इलेक्शन जीतेंगे भाई। छी, अपनी नीच राजनीति के लिए उस लड़की की इज्जत को दांव पर लगा दिया। अरे राजनीति में कोई इज्जत विज्जत नहीं होती, अपनी बहन को इलेक्शन में जिताने के लिए हमें नहीं। सुंदर राज्य गरीबों के मसीहा, वही जीतेंगे। मैं अभी राजलक्ष्मी को मंगलसूत्र पहनाऊंगा। अरे कब, अरे रुको, उसे पकड़ो। अरे रुको, अरे अरे कहां जा रहे हो? अरे जाने दो मुझे, छोड़ो छोड़ो, जाने दो। इलेक्शन से पहले जो चाहे कर ले तुम लोग, मैं जा रहा हूं। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। क्या सूरज, 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 अरे सूरज तो मर गया। सूरज खुद मरा नहीं, मार डाला उसे ओपोजिशन वालों ने। सुंदर राज, हाय हाय, राज लक्ष्मी, हाय हाय, सुंदर राज, हाय हाय, राज लक्ष्मी, हाय हाय, सुंदर राज, हाय हाय। क्या ये मेरे घर पे हल्ला किस लिए? ठहरिए, सूरज कहाँ है? मैं क्या जानू? रात रेलवे स्टेशन पर तुम उसको मिलने गई थी या नहीं? हाँ गई तो थी। उसके बाद वो रात को घर नहीं लौटा, कहाँ छुपाया सूरज को? बोलो। सीधी तरह ये लोग नहीं बोलेंगे बहन, हमें तलाशी लेनी होगी। चलो चलो। ए उधर देखो तुम लोग, उधर बच्चों, खास में देखो। चलो उधर। इसलिए इंटरोगेशन के लिए। इंटरोगेशन मेरे सामने करो। ये मेरा पुलिस स्टेशन है, प्रश्न केवल मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं। चलो उधर। पिताजी। अरे इसे उधर ले जा। चलो छोड़ दो। सूरज के साथ तुम्हारी शादी तो हुई, बिन ब्याहे ही उसके साथ मजे लूटती रही तुम। अब मेरी इच्छा पूरी कर दो तो तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। चल। <आगा। laughs>
तेरी तो मैं नस नस जानता हूं, जाएगी कहां? आजा, आजा। हिरन? नहीं। चंदन की लकड़ी? नहीं। हाथी का बच्चा? हाथी का बच्चा। तो चल फिर, आजा।
यू ब्लडी फूल। हम हैं। एड्रेस चाहिए? रानी, डॉटर ऑफ राजेश्वरी देवी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझे? बलात्कार हो गया तो क्या हुआ? बलात्कार होना तो 20वीं सदी में मामूली बात है। हाँ, मेरी बेटी की रिपोर्ट करने वाले कौन हैं? ये है मैडम। ओ, अच्छा, मुझे ये तो बताओ, लेफ्ट में लगा या राइट में लगा? घूरते क्यों हो? मुंह बनाने से तुम क्या समझते हो? मैं ज्यादा पैसे दे दूंगी? तुम्हारा पैसा हमें नहीं चाहिए, हम केस करेंगे। मगर रिपोर्ट कौन लिखेगा? हाँ, इंस्पेक्टर दम है? नहीं मैडम। कन्हैया, लेफ्ट को लगने वाले को 1000, राइट पर लगने वाले को 2000। रिश्वत का पैसा हमें नहीं चाहिए। मंत्री के जुल्म की रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो हम स्ट्राइक कर देंगे। स्ट्राइक? मैं नहीं डरती। ऐसी कई हड़तालें बर्दाश्त कर चुके हैं हम, तुम क्या चीज हो? स्ट्राइक करने से तुम ही लोग हारने वाले हो, ना कि हम। ये राजनीति है कन्हैया। सुनो, ये 5000 रुपए है, आपस में बांट लो। नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर, इन चारों लड़कों पे एक मिनिस्टर की औलाद के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में केस फाइल करो। इन चारों को जेल में डाल दो। नमस्कार सर। गांव में स्कूल खोलने की सोच रहे हैं। मिनिस्टर से कहकर ग्रांट दिलवा दीजिएगा। ठीक है, दिलवा दूंगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। कन्हैया। नमस्कार मैडम। क्या प्रॉब्लम? मुँह क्या देख रहे हो? बेटी कहाँ? ऊपर है, कमरे में। सर, मेरा काम करवा दीजिए ना। अभी तो दिया है, देखने तो। सर, वो कौन है? वो मेरी बीवी का है, भाई है। और आप? मैं मिनिस्टर का पति हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? नमस्कार सर। क्या लफड़ा है? चेची, मिनिस्टर का पति होने की बजाय कुत्ते की दुम होता तो बेहतर था। कम से कम मक्खियां तो उड़ा सकता। तुम लोग परसों आके मिलो। जय बट्टू। ऐसे मुझे मत पुकारो, अब तो पूरी पार्टी का बीपी हूँ। यानी वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ। इतना ही ना? इससे ज्यादा मेरा क्या होगा? पैसे वाले मंत्री पद को तो तुम उड़ा लेते हो, और जैसे रोते हुए बच्चे को पीपरमेंट थमा देते हैं, वैसे बीपी पीपी बनाकर छोड़ दिया है। ये है पॉलिटिक्स। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद बातें करना सीख गए हो? बात करना तो सीख गया, पार्टी लाया हूँ फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। ओके, कंफर्म हो गया। सर, जरा मंत्री जी को बोलेंगे कि मैं लाया हूं ये पार्टी। कह दूंगा। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। बड़े आदमी बनोगे। ये पैसा किसका है डैडी? ये तुम्हारी बुआ का, ये हमारा। ये तो घपला है। अरे पगली, एक आदमी जब मिनिस्टर बनता है तो उसके भाई बहन दामाद और बेटे सभी लोग माल बनाते हैं। यही तो मौका है बेटे माल अंदर करने का, जेब गरम करने का। इतना घपला होता है? थैंक यू मम्मी। सुनो, कल कॉलेज स्टूडेंट हमारे खिलाफ स्ट्राइक करने वाले हैं। कोई गड़बड़ी हुई तो पत्रकार मुसीबत खड़ी कर देंगे। तुम कुछ दिनों के लिए फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए फॉरेस्ट चली जाओ। फॉरेस्ट में? तुम फॉरेस्ट मिनिस्टर की बेटी हो, वहाँ जंगल में स्वागत होगा तुम्हारा। मैं अभी फोन करवा देती हूँ, रेडी हो जाओ।
हेलो हाँ हाँ कौन बोल रहा है राजधानी से है टेररिस्ट तू क्यों डर गया रे क्या बोल रहे तुम हाँ 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 मिनिस्टर आ रही है मिनिस्टर आ रही है रे हाँ हाँ क्या कहा मिनिस्टर नहीं आ रही है मिनिस्टर नहीं आ रही है रे हाँ क्या कहा मिनिस्टर की बेटी आ रही है मिनिस्टर की बेटी आ रही है तू क्यों हंसा रे हाँ बोलो भेजने होंगे हाँ 12 हाथी के दांत मर गए ठोक बजा के सर हमारे जंगल में तो दांत वाले हाथी 4 ही हैं हाँ हिरण की चमड़ियाँ 6 हाँ शेर की चमड़ियाँ 2 हाँ ठीक है हाँ तू क्या सुन रहा है है? क्या सुन रहा है शेर की चमड़ियां 2 हाथी के दांत 12 क्या मुसीबत वाली नौकरी है हाथी के दांत 12 हिरण की चमड़ियां 6 शेर की चमड़ियां 2 एक आदमी की चमड़ी मर गया ठोक बजा के क्या बात सोची है जब शहर में पेट नहीं भरा तो यहाँ जंगल में कूद पड़े भारी पड़ जाएगा सर ट्रांसफर हो जाएगा उस गाँव से इस जंगल में ट्रांसफर किया ठोक बजा के इस गाँव से उस जंगल में ट्रांसफर हो जाएगा ठोक बजा के सुना यहाँ आने की जरूरत नहीं मैं खड़ा खड़ा सुन मिनिस्टर की बेटी आ रही है उसे पूरा जंगल दिखाना है ये सब तेरे से नहीं होगा उस राजा को खबर कर दे जंगल ही क्या आकाश पाताल पूरा दिखा देगा वो पैसा मिलेगा बोलना नहीं तो नहीं आएगा अब यहीं खड़ा जाता हूँ कैसे गाड़ी चला रहे हो बैलगाड़ी की तरह अपनी अम्मा से फोन करके कहो कि जंगल में भी पक्की रोड बना दे वो तभी मैं ठीक से चला पाऊंगा इडियट ठीक से गियर बदलो तुम्हारा हाथ मेरी जान को लग रहा है बिस्तर समझा है क्या ऐसे मुंह क्यों बना रहा है उसकी बू तुम्हें अच्छी नहीं लगती तुम्हारी खुशबू उसे अच्छी नहीं लगती अरे अयो 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 परेशान होने की जरूरत नहीं चढ़ने उतरने की आदत है इसे हाँ आजा मेरी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम है अगर रुक गई तो फिर स्टार्ट नहीं होती झेल जाओ सिट डाउन पहले किसका पकड़ू मैं सभी कह रही है मेरा पकड़ो सारे सूटकेसों को पकड़ने के लिए कोई नहीं कह रही ए चिंटू बहते हुए सूटकेसों को उठाकर किनारे लगा अच्छा। बालिकाओं हाथियों के पानी पीने का समय हो गया है जल्दी नीचे उतरो जल्दी हाँ तुम्हें क्या मुंह चूमकर बोलना होगा मैं मंत्री की बेटी हूँ मैं नहीं उतरूंगी तुम मुझे गोद में उठा कर ले चलो खर्चा होगा कितना 100 तुम खाने में भी रुपए खाते हो हाँ पैसे वालों को नहीं जोड़ता ठीक है दूंगी ले चलो बन गए 100 बढ़िया है अब क्या हुआ किनारे पहुँच कर रुपए नहीं दिए तो दूंगी मैं मैडम अमीरों पर भरोसा नहीं है मुझको कैसे लोगे मुंह में भर दो Why are you laughing? तुम मुझे गुदगुदा रही हो Now move. पार्टी हो एक नंबर के जितना मांगा उतना दिया ना 100 में 20 कम है हाँ क्या 20 रुपए के लिए मुझे पानी में गिरा दिया नो अयो 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 अयो
120 इंग्लिश में यू 420 है तू बड़े घर की बेटी पर है तेरी नियत बुरी मुझसे चलेगी न तेरी दिन दहाड़े धोखाधड़ी अयो 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 अरे अयो 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 हिंदी में तू 420 इंग्लिश में यू 420 जवानी उस पे ये मनमानी ऐसे मुझे उल्लू ना बना अब जो नहीं मानी तो पछताएगी तू फिर न कहना ये क्या हुआ चढ़ती ये जवानी उस पे ये मनमानी ऐसे मुझे उल्लू ना बना अब जो नहीं मानी तो पछताएगी तू फिर न कहना ये क्या हुआ इंजन है बहुत गरम फट न जाए कहीं ये बम इधर उधर उछल नहीं गिर पड़ेगी थम से कांटों भरी झाड़ियों में फंसेगी कसम से अयो 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 अरे अयो 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 हिंदी में तू 420 इंग्लिश में यू 420 है तू बड़े घर की बेटी पर है तेरी नियत बुरी मुझसे चलेगी न तेरी सिंधारे धोखाधड़ी अयो 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 अरे अयो 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 ये बालों में तूने जो चुपड़ रखी खुशबू तो मुझको क्या मैं क्या करूं लिपस्टिक की खातिर तेरे मेकअप की खातिर अपना मेहनताना क्यों न लूं ये बालों में तूने जो चुपड़ रखी खुशबू तो मुझको क्या मैं क्या करूं लिपस्टिक की खातिर तेरे मेकअप की खातिर अपना मेहनताना क्यों न लूं ला मेरे 20 रुपीस झट निकाल जल्दी प्लीज इससे एक थैला भी मैं कम न लूं कंसेशन एक थैला भी मैं क्यों दूं अरे अयो 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 हिंदी में तू 420 इंग्लिश में यू 420 है तू बड़े घर की बेटी पर है तेरी नियत बुरी मुझसे चलेगी न तेरी दिन दहाड़े धोखाधड़ी अयो 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 अरे अयो यो अयो 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 आत्माराम जी ये भी कोई बात हुई इतना बड़ा घर होते हुए भी आप इस खंडर जैसे घर में खाना खिला रहे हैं उठो हा? उठो हा? उठ रहे हो कि नहीं अरे कमाल है भोजन के लिए बुलाकर फटकार रहे हैं तुमने बात ही कुछ ऐसी की है ये तुम्हें खंडर दिखता है गलत ताजमहल है इस घर में हमारे सूरज की आत्मा रहती है आओ। इधर आइए आप क्या बोल रहे थे उनसे यही कि तुम्हारा भाई सब जानती हूं मैं मेरी अनुमति के बगैर लोगों से बात करने का साहस कैसे हुआ यही यही तो मैं भी सोचता हूं वैसे तो सूरज भाई जैसा ही था नॉनसेंस ये गांव वाले तो यही समझेंगे कि मैं खास इसी मौके के लिए आई हूं सूरज की कुदरती मौत नहीं हुई थी इस घर में रहने वालों ने कत्ल किया इसलिए इस घर से और इस घर में रहने वालों से Oh,
एक अरसा हो गया, उस घटना को तुम भुला नहीं पाई। निजी स्वार्थ और लालच में हमारा कुटुंब छिन बिन कर दिया पापी लोगों ने। ये घाव कैसे जल्दी भर सकता है पिताजी? सुनो बेटी, राजा तुम्हारी आंखों का भय बर्दाश्त कर सकता है, आंखों से टपके आंसू नहीं। उसके जीवन में ये आंसू, ये दुख, तकलीफें कभी नहीं आनी चाहिए। जाओ, राजा आ चुका है। माँ, पूजा कर रही है। ये क्या माँ, जंगल से बेटा सुरक्षित घर लौटा यही मांग रही थी भगवान से ना? अरे डरो मत मौसी, सभी जानवर राजा के दोस्त हैं। मुझसे टक्कर लेने कोई नया जानवर आएगा? Come on girls, छी, यहाँ एक भी शेर नहीं है। हो सकता है यहाँ एक भी शेर ना हो। आइडिया, मैं बुलाती हूँ शेर को। ए, तुम बकरी के हाथ निकालो। नहीं, नहीं। अरे सब मिलके निकालो। चलो निकालो मेरे 20 रुपए। Shut up, you dirty fellow! नहीं दूंगी। तब तो जंगल से बाहर निकलना मुश्किल है। हाथ के लगाया तुमने मुझे? हाँ, you country fellow, गंदा कर दिया ना। अयो, महारानी, शिव जी की जटा से निकलती गंगा की तरह बैठी रहोगी? उतरो, उतरो ना। वैसे तुम कहां बैठी थी? यहां ना। सुनो, साइकिल पर बैठोगी? जी नहीं। ठीक है। इसलिए यू डर्टी फेलो, कैसे साइकिल चलाते हो? तुम्हारी ट्रिक्स अच्छी तरह जानती हूँ, इसी तरह मुझे टच करना। अयो, चाहे जितना भी चिल्लाओ महारानी, तुम्हारी ये डर्टी जबान कभी धुल नहीं सकती। पास ही एक झरना है, वहां जाकर नहा लेते हैं। चलो उठो। बदन तो चमक उठा है, अब निकलो। ए, उधर देखो। बह गए या बाहर निकलो? Nonsense, बिना कपड़े कैसे निकलो? All right, 50-50, पैंट मेरी, शर्ट तुम्हारी। देखो,
तुम्हारी बेवकूफी के कारण ही घने जंगल में फंस गए हम लोग। रात पड़ते ही खूंखार जानवर आ जाएंगे यहाँ। जान प्यारी है तो जल्दी चलो। पढ़ाया बोलने वाला ढोक बजा के। अरे बालिका हो, भयानक जंगल में क्यों आई, शिकार को क्यों गई, मटक मटक के शेर के पीछे क्यों गई, इसी चक्कर में मिनिस्टर की बेटी गुम हो गई, मरवा दिया ठोक बजा के। सर। अरे तू चुप रह, इस बारे में मंत्री साहिबा से फोन पर बोला तो मेरी चंपी हो जाएगी। नहीं किया तो भी चंपी हो जाएगी सर। तू क्यों रो रहा है, कर फोन कर। ए मंत्री की बेटी। क्या है? लेट जा मेरे साथ। ए, मैं तुम्हारी बीवी हूँ क्या? नीचे जानवरों का डर है। मैं नहीं डरती। ये जंगल है। आई नो, अफ्रीकन फॉरेस्ट है क्या? आफ्टर ऑल इंडियन फॉरेस्ट। मेरी बात मान, ऊपर आ जा। आई हैव फायर इन माई हैंड, shoes on my feet and guts in my heart and I'm going to march through this forest sare jahan se acha hindustan hamara hamara sare jahan se acha hindu अब ऊपर क्यों आई? आफ्टर ऑल इंडियन मचान है। शट अप। हेलो। हाँ हाँ हाँ। क्यों कन्हैया, बिटिया का कुछ पता चला? अभी तक कोई पता नहीं चला। तुम घबराओ नहीं बुआ, मैं पार्टी के जवानों को ले जाकर जंगल का कोना कोना छान मारूंगा। सरेआम अपने खानदान का पर्दाफाश हो जाएगा। अरे बहन, रानी के लिए तुम बड़ी परेशान हो ये जानता हूँ मैं, लेकिन हम मिलकर जंगल में बेटी को ढूंढने के लिए निकले तो बस शोर मच जाएगा कि अपनी लड़की को ढूंढने गई है मंत्री, और पेपरों में भी इस बात को छाला जाएगा। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। फॉरेस्ट में जाने की तैयारी की जाए। जी अच्छा। रानी, रानी, अरे
बलगर तो बलगर ही रहेगा। ठहर, अभी उधर चकाती हूँ। हाँ? दादा को अम्मा को लेकर आगे तक मैं डर जाऊंगी। देखते क्या हो? लंगूर का बच्चा। सुपर। निकल ले, निकल ले, चल चल। मुझे बता के क्यों नहीं आई तू? राजा जी, राजा जी। क्या है? मुझे नीचे नहीं उतारोगे क्या? ऊपर कैसे चढ़ी तुम? वो क्या है, हाथी मेरे पीछे पड़ गया तो मैं ऊपर चढ़ गई। देखूं तो डोंट टच मी। अयो 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 महारानी जी, शिव जी की नंदी सवारी समझा है क्या मुझे? उतरो। वो गिरगिट। वो गिरगिट है तो मैं घोड़ा नहीं हूँ। उतरो नीचे। तेरी वजह से न जाने कब से रास्ता भूलकर जंगल में भटक रहे हैं। चला आजा। ए, मुझे भूख लगी है तो मुझे खा ले। तुम टेस्टी हो क्या? ये फल मत खा। क्यों? जहरीला है। नशा चढ़ेगा। चढ़ने दो। ए, जो अच्छा लगेगा खाऊंगी। तुम्हारी परमिशन क्यों लो? तुम क्या मेरे हस्बैंड हो? ए, क्या लुक देता है मवाली गुंडा। क्या मुझे इसकी? अयो 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 अयो। ए, ये क्या बकवास है? हाँ, ये फल खाने का नहीं है। अरे तू भी खाएगा इसे। ले ले ले, मुंह खोल। अरे खा खा। कैसी खुमारी आंखों में छाई, कैसी मस्ती तू दिल में लाई। मस्ती में हर कोई है, दुनिया कोई कोई है। हुस्न की परी मदहोश हो गए। झिंग चक झिंग चक चा, चक झिंग चक झिंग चक चा। Jump, 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 jump.
सब यहाँ है मस्ताने। भागा मैं ही हूँ मैडम। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर हूँ। मेरी बेटी की यहाँ देखभाल नहीं की गई तो औरों का क्या होता होगा? यू आर सस्पेंडेड। माफ कीजिए मैडम, मेरी ब्याहने लायक एक बेटी है। इसकी कोई गलती नहीं है, हमारे मना करने पर भी वो शिकार पर चली गई। इसकी कोई गलती नहीं, ब्याहने लायक इसकी एक बेटी है, इस बारे से माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो। अच्छा उठो, जंगल में मेरी बेटी को कैसे ढूंढेंगे? मैडम उधर राजा नाम का एक गाइड रहता है, उसे पैसे दोगी तो। पैसा क्या, पूरा देश उसके नाम लिख दूंगी। उसका घर बताओ। चलिए आइए। दरवाजे पर ताला है। मैडम ये लोग जंगल में सूखे पत्ते और लकड़ियां बटोरने गए होंगे। उसका बाप क्या करता है? बाप तो मर गया, नाना और माँ हैं। नाना और माँ, उनका नाम क्या है? नाम तो मालूम नहीं है। ठीक है, हम वहीं गेस्ट हाउस में रेस्ट करते हैं, वो जहां भी हो उसे हमारे पास ले आना। ले आऊंगा। लगता उधर कोई है, आओ।
चिंटू, यहाँ के रहने वाले कहाँ हैं? वो जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। राजा को गेस्ट हाउस में भेज देना। हाँ हाँ। बोल देना। हाँ हाँ। नाना धीरे बोल। उन लोगों से तुम डरते क्यों? बेटे, आदमखोर शेर भी इंसान को बख्श देगा, मगर ये खूनी दरिंदे मुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा क्या? राजा कहाँ है, देख कर आता हूँ। देवी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, फोर टाइम्स अनडिफिटेड एमएलए, और तुम अपना थोबड़ा तो देखो, लड़कियों से पैसे मांग मांग कर खटारा जीप में बैठकर आवारा गर्दी करने वाले लोफर हो। ए, मैं तुमसे बोल रही हूँ, वहां क्या देख रहे हो? लुक एट मी, आई से लुक एट मी व्हेन आई टॉक टू यू, यू अनसिविलाइज्ड कंट्री ब्रूट। कन्वेंशन की तरह क्या चिल्ला रहे हो? तुम्हारी आवाज रानी तक ना पहुंचकर किसी खूंखार जानवर तक पहुंच गई तो हम सब की समाधियां बन जाएंगी यहाँ। फॉरेस्ट ऑफिसर। मैडम, मैडम, अगर आपकी बेटी नहीं मिली तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। मैडम रानी, राजेश्वरी, यहाँ आओ जल्दी, उधर झाड़ियां हिल रही है, हमारी बेटी वहीं होगी, जल्दी आओ। क्या है जी? अब देखना रानी, मेरी प्यारी रानी, आ बेटी। हंस क्यों रहे हो? एक दूंगे रखे सो। साहब, इस बंदरिया का नाम रानी है, आपकी पुकार पर शूटिंग छोड़कर यहाँ चली आई आपसे मिलने के लिए। भूलो गई, भूलो गई। मैडम, मैडम, जगह जगह गड्ढे क्यों खुदवा रखे? कहाँ मर गया फॉरेस्ट ऑफिसर? अरे मरा नहीं, जिंदा हूँ मैडम। रुको, फोटो लेने दो। अरे वाह, पत्नी गड्ढे में गिरी हुई है और आप फोटो ले रहे हैं, शर्म नहीं आती? शर्म काहे की? ये फोटो जब पेपर्स के फ्रंट पेज पर छपेंगे तो मंत्री महोदय की बड़ी पब्लिसिटी होगी। होपलेस, निकालो मुझे। संभल के मैडम, संभल के, संभल के। प्लीज मुझे खोल दो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। एक ही मस्काना, एक ही मस्काना।
डरो मत, ये इनका रिवाज है। शिवा का लपा की बनाना है। सुनो जी, क्या पूछ रहा है ये? हम दोनों पति पत्नी है, ये पूछ रहा है? नो 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 जी, नो, डिफरेंट डिफरेंट। लपा की तुम्हारे बनाई। सुनो जी, हा? ये क्यों उछल रहा है? वो कुंवारा है और तुमसे शादी करना चाहता है। हा? उससे तुम्हारी शादी होगी तो मैं दावत उड़ाकर निकल लूंगा। प्लीज यार, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज प्लीज यार, आई एम वेरी सॉरी। लकाम्बा जुकाम्बा, बनाना बनाना। हाँ। क्या कहा? मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, ऐसा उनको कहा। ऐसा क्यों बोला? किससे पूछ के बोला? तुमको मरना है तो मरो, वो टिंगू तुमसे शादी करके ही रहेगा। ए, उसके लिए इतना गुस्सा क्यों? ऐसे ही कहा ना। इबायो, इबा का कुनाटे का वाला, चेनाया कुनाटे का वाला, कोको कोको, लपाटे। क्या कहता है? कुछ नहीं, तुमसे शादी के लिए हम दोनों में मुकाबला होगा, जीतने वाले से तुम्हें शादी करनी होगी। बाप रे। अयो 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 अयो, एक ही झटके में उड़ा दूंगा। ये बायो, इकी भी खच्चा। लेस बांध रहा था, उसने मुझे मार दिया। प्लीज तुम्हारा तो कहना इसको। कैसे हो सकता है, देखो कितना जोर खिला रहे लोगों से, और मुझे मैं देखती हूँ ना। उसकी पावर खत्म होगी, और पेट्रोल भरो।
हुआ, कुछ हुआ कुछ हुआ। तुमने कहा मैंने सुना, हम है यहाँ हंसी समा। तुम यूं तरसाओ ना मुझे, तुम क्या चाहो बताओ तो मुझे। रानी क्या हुआ ये क्या हुआ, कुछ हुआ कुछ हुआ। तुमने कहा मैंने सुना, हम है यहाँ हंसी समा। तूने कहा मैंने सुना, हम है यहाँ हंसी समा। तुम यूं तरसाओ ना मुझे, तुम क्या चाहो बताओ दो मुझे। रानी आई लव यू राजा आई लव यू। कुछ हुआ तुमने कहा मैंने सुना, हम है यहाँ हंसी समा। तुम यूं तरसाओ ना मुझे, तुम क्या चाहो बताओ दो मुझे। रानी आई लव यू राजा आई लव यू रानी। पकड़ लो उसे जल्दी। ए, सच बता तुझे ये कपड़े कहां से मिले? बैठे हुए जा रहे थे नदी की तरफ। रेल की पटरी पर सुला दूंगा, सच बोल। सच बोल रहा हूं और मुझे कुछ नहीं मालूम। सुनो बहन, बेटी के कपड़े इसको मिल गए हैं, हो सकता है उसे मार दिया हो।
अरे सुन बच्चे, भगवान के लिए बता दे मेरी बेटी कहाँ है। नहीं मैं नहीं जानता। क्यों मारती हो बच्चा है? आप चुप रहिए। बोल बोल बोल। सच बोल दो तभी मार दो, तभी मेरे नाना बोले तुम लोग बहुत बुरे हो। नाना? तुम्हारे नाना का नाम क्या है? बोल बोल। सुंदर राज। सुंदर राज? सुंदरराज कहाँ रहता है? कहाँ रहता है सुंदरराज? बताओ कहाँ रहता है? चले। ए, तुम यहाँ देखो। किया देखता हूँ। इतने साल गुजर जाने के बाद भी पुरानी बदले की आग नहीं बुझी सुंदर राज। बदला लेने तो तुम आ पहुंची हो जंगल में। नहीं, अपनी सहेलियों के साथ मेरी बेटी जंगल में आई और तुम लोगों ने मेरी बेटी को बदले की भावना से अपने राजा के साथ कहीं घात कर दिया। मेरी बेटी के साथ इस जंगल में तुम्हारी बेटी घूम रही है ये तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है। अब तो मालूम हो गया ना। बोलो कहाँ है मेरी बेटी? नहीं जानती, और अगर जानती भी तो नहीं बताती मैं तुम्हें, समझी? राजेश्वरी मार ले तू, थप्पड़ मार दिया तूने। कुछ साल पहले तूने मेरी मान मर्यादा पर वार किया था। अब भी पतिव्रता की तरह बातें करती हो? पतिता, पतिता के बेटे की पत्नी बनेगी तुम्हारी बेटी। नो, मेरे जिंदा रहते मैं ये होने नहीं दूंगी। जिंदा रहते हुए मैं ये करवा कर रहूंगी। देश तेरे नाम लिख दूंगी, अपनी रानी को तुम्हारी बहू बनने नहीं दूंगी। इंस्पेक्टर, किसी भी तरह से इनसे सच उगलवाओ कि मेरी बेटी को कहां छुपा रखा है। देरो, देरो, छोड़ दो इन्हें। मैं राजा को लेकर आता हूँ, मैं जानता हूँ वो कहां है। इंस्पेक्टर, खोल दो इनको। चलो बहन। राजा! राजा! Ah!
सब ड्रामा था। उसने जो मेहनत की है उसकी मजदूरी उसके मुंह पे मार देंगे। नो मम्मी, नो, प्लीज, रानी, प्लीज लीव मी। चुप रहो, वायलेट। राजा, 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 मम्मी। बेटी, डैम इट, फ्लाइट टिकट फाड़ने से सफर को कैंसिल नहीं किया जाएगा। इसे पेरिस जाना ही होगा। क्यों जी, मुझे क्या देख रहे हो? बोलो अपनी लाडली को। नो, मुझे नहीं जाना है कहीं भी। You want to throw me out like this suitcase? Never! मुझे भेजने के guts किसी में भी नहीं है, तुम में भी नहीं। बोल दीजिए अपनी बीवी से। रानी, इतना घमंड! बचपन से जो तूने मांगा मैंने दिया, उसी माँ का कहना नहीं मानेगी? जरूर मानूंगी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो send me back to the forest। जंगल में किस लिए? वहाँ राजा जो है वो जंगली आदमी है। Nonsense! He saved my life. I love him. I love him. He's a cheat. उसने तुम्हें फंसाया है। You don't talk. तुम बात मत करो। You are a jackal. मैं मम्मी नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँ। Mind it. Don't talk rubbish. तुम सोचती हो कि इस घर में तुम्हारी भलाई चाहने वाला कोई नहीं? हाँ, नहीं है। इस घर में मेरी भलाई चाहने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। That is my father. My sweet baby. राजेश्वरी, छोटी बच्ची से क्या दुश्मनी? माँ और बेटी में झगड़ा क्यों? राजा अपना ही तो है। जबान को लगाम दो। अभी आपने क्या कहा डैडी? अरे बेटी, राजा नहीं, डैडी, इधर आओ, इधर। डैडी, मुझे सच बताइए, कभी तो इस घर में मत बंद कर बता दीजिए। इनके मुंह बोले भाई का बेटा। हा? चोली के पीछे क्या है? नानी नानी, बाबूजी ऐसा मत गुरिए। अग्गू भाई, सुबह होते ही अपनी कामाली का बलात्कार स्वयं मंत्री के पति ने कर दिया, ऐसे पेपर में छपा तो तुम आज ही तो फांसी लगा कर मर जाएगी। रत्ना सुन, तू मुझे गलत समझ रही है। देख, छोटा सा एक ड्रामा कर रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा हूँ। कोई लाभ नहीं है बहन, मैं तुम्हें फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से होम मिनिस्ट्री में शिफ्ट कराने के लिए मुख्यमंत्री पर जरूर दबाव डालूंगा। ऐसा नहीं है कन्हैया, ये पुलिस वाले मिनिस्टरों को ही अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। इससे तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री अच्छी, क्योंकि वहां बेजुबान जानवर रहते हैं। कौन आ गया? राजेश्वरी, ये लड़की रानी की सहेली है। इसकी नोटबुक रानी के पास रह गई है, वही लेने के लिए आई है। थोड़ी देर बाद आने को बोल दूं। ये लड़की अपनी नोटबुक लेने आई है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है जी? ले लो बेटी। जा बेटी, मेरी बीवी ने कहती है, ले ले। नाम क्या है बेटी? फातिमा मनकेत मला। मुस्लिम लड़की मराठी में बोल रही है, कोल्हापुर की होगी। फातिमा मारता गड़बड़ है। कोल्हापुरी मुस्लिम, आजादी से पहले हिंदुओं से घुल मिल गए थे। तुम तो सभी पर शक करने लगते हो। तुम जाओ बेटी। छोटी मलकिन, छोटी मलकिन, ये लो। वो लड़की लौटी नहीं अभी तक। अभी हट, मुस्लिम ही है। अच्छा चलती हूँ। जीती रहो बेटी। लाल सैंडल में आई थी, सफेद पहनकर जा रही है, लफड़ा है। रानी, 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 भाग गई बुआ जी, राली भाग गई। सुनो, आधे घंटे में मेरी बेटी को ढूंढ कर नहीं लाए तो ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी नौकरी। जाओ।
मंत्री का वक्त कीमती होता है समझती हूं मैं। क्यों आए हूं वो भी चंद लफ्जों में ही बोलूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। क्या है, मेरी बात सुनने से पहले ही घबरा रही हो, पानी पीने की सोच रही हो? मेरा जवाब सुनकर तू खुद पानी मांगेगी, क्या कहना है बोल ना तू, तेरे लिए ही पानी रखा है यहां। गढ़े मुर्दे क्यों उखाड़ती हो, अब हवा का रुख मेरी ओर है, बेटा आ रहा है मेरा, तुम्हारी बेटी को अपना लेगा वो। स्टूपिड, देश तेरे नाम लिख दूंगी लेकिन तेरे बेटे के साथ ये ब्याह नहीं होने दूंगी। मैं 6 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि हूं। चीटिंग करके जीती हो तुम, 6 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि कैसे हो सकती हो भला? ए, कामकाज टाइम वेस्ट मत कर, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे। ऑर्डर सुनने के लिए मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं, तुम्हारी बेटी की होने वाली सास हूं, तुझे मेरे आगे झुकना पड़ेगा और मेरे बेटे के चरण धोने होंगे। नो, मैं तेरे को हथकड़ियां लगवाऊंगी, तेरे लौंडे की टांगे तुड़वाऊंगी। कोई है वहां? तुम बहुत बोल चुकी, पी लो पानी। अगर मैं चाहती तो मंदिर में शादी करवा देती, रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड ब्याह करवा देती। तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने आई हूँ क्योंकि मैं ये झगड़ा सुलझाना चाहती हूँ। तुम 6 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि कहलवाने वाली, जिस दिन इस राजलक्ष्मी को अपनी समधिन मानोगी मुझे उस दिन का इंतजार है। जाओ बेटी, आज नहीं तो कल मैं अपने बेटे को आप बीती बता दूंगी, वो आएगा अपनी माँ की इच्छा पूरी करने। राजा, उस गांव में कदम रखते वक्त एक बात याद रखना कि वहां तुम बदले की भावना से नहीं बल्कि अपना प्यार हासिल करने जा रहे हो। जिस गांव में तुम्हारी माँ को पतिता कहकर पुकारा गया, जहाँ की मिट्टी तुम्हारी माँ के आंसुओं से भीग गई, उसी गांव में तुम्हारी ब्याह की शहनाइयां गूंजनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है भाई? रामपुर का राजा। वो बहन को बता दो कि वो आ गया है। वो आ पहुंचा है। वो हेलो बहन, वो आ गया है। वो यानी कौन है वो? उसका लौंडा, सामने वाले भूत बंगले में ठहरा हुआ है, लोग उसे हैरत से देख रहे हैं। उसके हाव भाव से लगता है कि वो किसी खास मकसद से आया, मुझे डाउट हो रहा है। अब क्या करें, मुझे तो असेंबली की मीटिंग में जाना है। ओपोजिशन पार्टी यहाँ डटी हुई है, तुम वहां क्या कर रही हो? तुरंत पहुंचो। आती हूँ। कहाँ है वो, बुलाओ उसे। बुआ जी, वो तो आ गया बुआ जी। हाँ
गांव में क्यों आए हो? ओ खंजर, क्या लिखा है इसमें? तुम्हें पढ़ना आता है ना, पढ़ लो। मंत्री लोग सिर्फ सुनते हैं, पढ़ने की आदत नहीं होती उन्हें। याद रखो, बहुत जल्द ही तुम्हारी इस घिनौनी राजनीति का तख्ता पलटने वाला है। मामला क्या है बोलो। कुर्सी पर बैठकर या यूं ही बोलूं? तेरा सर चकरा गया है क्या? जो कहूंगा वो सुनकर तुम्हारा सर चकरा जाएगा। उसके हम लोग आते हैं, बोलो। किसने कत्ल किया मेरे पाप का? तुम्हारी मां ने। ये सच नहीं है, यही तुम्हें बोला। ये है मेरी पहली शर्त। ए! मेरी मां पतिता। शाबाश, खुद ही कबूल कर लिया। सारे गांव वालों के सामने खड़े होकर सरेआम तुम्हें यह बोलना पड़ेगा कि यह इल्जाम बेबुनियाद है। यह है मेरी दूसरी शर्त। बरसों से हड़पी हुई मेरे पिता की जायदाद को सूद समेत मुझे वापस लौटाना होगा, समझी? यह है मेरी तीसरी शर्त। असल में तुम सूरज के बेटे हो, कैसे मान ले? बाप रे बाप, मर्डर। घर आए दुश्मन का भी हिंदुस्तान में मेहमान की तरह स्वागत करते हैं, समझे तुम? डाउटी लोगों ने एक तरफ से, गुंडों ने दूसरी तरफ से, और पुलिस ने पीछे से धमकाया, इस तरह से प्रजा को भयभीत करके जीते हुए मंत्री पद से तुम्हें राजीनामा देना होगा। यह है मेरी चौथी शर्त। ये पति को छोड़ सकती है, मंत्री पद नहीं छोड़ सकती। आखिरी सुनो, राजा, राजा, रानी, मेरे दिल में बसने वाली अपनी बेटी को बंद कमरे से तुम खुद निकालोगी और मेरे साथ उसका ब्याह रचाओगी। यह है पांचवी शर्त। देश तेरे नाम लिख दूंगी मगर यह ब्याह नहीं होने दूंगी। यही नहीं, तेरी एक भी शर्त नहीं मानी जाएगी। आपस में समझौता ना होने पर कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, हस्तिनापुर में, और अब होगा रामपुर में। रुको, तुम सिर्फ जंगली जानवरों से खेलने की विद्या में होशियार हो, लेकिन मैं मनुष्य को उलझाने की विद्या भी जानती हूँ। अयो अयो अयो, बड़े से बड़े नेताओं को मात खाते हुए देखा मैंने सासू जी, तुम्हारी मनुष्य को उलझाने की विद्या भी देख लूंगा। क्यों बहन, तुमने उसको छोड़ दिया, कहो तो उठवा दो। मैं प्रजा प्रतिनिधि हूँ कन्हैया, मेरे रहते हुए कुछ भी हुआ तो ऑपोजिशन वाले गड़बड़ करेंगे। इसीलिए तुम एक बार हाँ तो बोलो, फिर मैं उसे रानी से मिलने के पहले ही गांव से उठवा देता हूँ, तुम देखना। यस, मैं हाँ बोलती हूँ। सुनो, ये लोग कल से ही जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ऐसा रजिस्टर में एंट्री कर दो। क्या आप लोग किसी का मर्डर करके आ रहे हैं? जो बोला है वो करो वरना तुम्हारा मर्डर होगा, रजिस्टर में लिखो। लिख लो डॉक्टर बाबू। हाँ? इनके हाथ पैर तोड़ने मैं आ गया हूं, फिर हॉस्पिटल में भी भर्ती कर लेना। Stop.
जी, बेकार फोन, बेकार गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी है। भाषण बंद करो। हेलो कन्हैया। कन्हैया नहीं, दूल्हा। आवाज सुनकर मिर्ची लग गई ना। इतने समय तक तो मर्डर हो जाना चाहिए था। मर्डर? हमारे खानदान में ये बुरी आदतें नहीं है। अयो 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 अयो, औरतों के हाथों में आभूषण ही शोभा देते हैं, तलवारें नहीं मिनिस्टर सासू। मस्ताई हुई हथिनी की तरह सूंड उठाकर बौखलाई फिर रही थी अब तक। तुम पर अंकुश लगाना ही होगा। अब हॉस्पिटल में जाकर अपने कन्हैया और उसके बेटे को देख लो, डिस्चार्ज करवा लो। पूरा इलाज होने तक अस्पताल में रहना चाहिए था, बस मरहम पट्टी करवा के आ गए हो। चुप रहोगे, बहन का काम काज कौन देखेगा? बाप रे, उसने असल में हमें हिलाया। बुआ, वो तो अंदर से निकल रहा है। शौक लगा हिलते क्यों हो? गुड मॉर्निंग ससुर जी। गुड मॉर्निंग। सारा बदन टूट रहा है, सोया नहीं, नया हूं ना। तुम्हें आदत नहीं है ना, कई साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। घर जाकर गर्म जल से स्नान कर लो, तुम्हारा दर्द ऑटोमेटिक भाग जाएगा। जाओ। ठहरो, तुम घर में कब आए? रात को आया सासू जी। तुम्हारे लिए दरवाजा किसने खोला? रानी ने। रानी ने? सुनो दोस्त, रात को किसके कमरे में सोए थे? रानी के कमरे में दोस्त। हे राम, इस इतने बड़े घर में कई कमरे खाले होते हुए तुम कुंवारी लड़की रानी के कमरे में क्यों सो गए? अयो अयो अयो, पराई स्त्री के कमरे में घुस जाता तो वो दान तोड़ देती दोस्त। बाप रे, तब तो फुल लाइट अल्लाह लग गया। राजेश्वरी, इससे तो मंत्री पद से राजीनामा देने की नौबत आने का संकट है। ये ठीक कह रहे हैं बहन, ये खबर ऑपोजिशन वालों को मिल गई तो बुरा होगा। ऑपोजिशन की बात असेंबली पर छोड़ दो, पहले रानी की पोजीशन क्या, देखो चलकर। पस्त उतरे हुए, बिंदिया खिसकी हुई, चूड़ा खुला हुआ और बदन भीगा हुआ, ये दशा तो किसी भी कुंवारी की नहीं हो सकती। उसके बावजूद किसी का घर जल गया, धुआं तक नहीं उठा और तू अपनी तीली को रो रहा है? मुझे आप थप्पड़ मार लीजिए, सर फोड़ दीजिए, लेकिन राजा और रानी रात भर ऐश कर रहे थे, ये कहां का इंसाफ है? रो मत। रानी, रानी, क्या मम्मी, क्या है? रात को राजा तुम्हारे साथ था? कमरे में नहीं मम्मी, ख्वाब में था। तो ख्वाब नहीं, हकीकत थी रानी। उसने क्या क्या बेटी? बस जैसे उसने मुझे छुआ, पूरे बदन में गुदगुदी सी होने लगी। गुदगुदी? रानी, ये सब ख्वाब में हुआ ऐसा तुम कह रही हो। सवेरे वो तुम्हारे कमरे से बाहर निकला, असल में क्या हुआ याद करके बताओ बेटी। राजेश्वरी, उसकी पांच शर्तों में से शादी की शर्त पूरी हुई, समझो। आप कुछ भी कहिए, ये हमारी जीत है ही नहीं, बिल्कुल कसम से बोलता हूँ। आप गुस्सा मत होइए, कल अगर मुख्यमंत्री ने सवाल किया तो हम क्या जवाब देंगे? सोचो सोचो, तुम लोग सोचो। मालकिनी मालकिनी, साहेब टीवी पर आ रहे हैं। हमारी फॉरेस्ट मिनिस्टर श्रीमती राजेश्वरी देवी के पति श्री आत्माराम जी का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण करने वालों की शर्तें और अपहरण करने वाले कौन हैं, इसका कुछ पता नहीं लगा है। राजेश्वरी देवी, अपने पति के किडनैपिंग के बारे में आपका क्या विचार है? नो कमेंट। इन 24 घंटों में आपके पति को मारा भी तो जा सकता है। नो कमेंट प्लीज। यानी पति की मौत के बारे में भी नो कमेंट्स कह रही हैं आप? यानी मैंने अगर कुछ बोला तो मेरे परिवार और मेरे देश का बहुत नुकसान हो सकता। नो कमेंट्स प्लीज। अपने अपने पेपरों के फ्रंट पेज पर मेरा फोटो छापो तो मैं बोलूंगा कुछ। जरूरत नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आपने बोला थे प्रेस रिपोर्टर्स कुछ और ही छाप देंगे। चलिए यहाँ से। मंत्री जी सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग ठहरिए यहीं पे। पति को बोलने ही नहीं देती मंत्री, यही हेडिंग छाप देंगे। हाँ अब बोलो। बोलिए,
आतंकवादी थे क्या? वही तो बोला आप। इतने जोर से नहीं, पिस्तौल खड़े हैं। अरे जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। लाओ मत, कानों में कुछ सुनाई पड़े ऐसा बोलो। बोलता हूँ, सुनो, उस राजा ने मुझे किडनैप कर लिया। बड़ी होशियारी से बच के निकल आया। बच के गए, उसको तो मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी? उसने मुझे अकेले को नहीं, अमृतराम को भी किडनैप किया है। बाप रे, मेरा लड़का। चिल्लाओ मत, पर चले सुने। सच में वो मेरे लड़के को उठाकर ले गया है क्या? कल वो अपने साथ उसको रामपुर गाँव में लेकर आएगा। पूरे गाँव के सामने उसकी माँ पतिता नहीं है ये कहना ही होगा तुम्हें। और मैं नहीं बोली तो? उसके पास बहुत बम है। इस लड़के के सर पर एक फूटा तो कलकत्ते में टांगे गिरेंगी, आगरे में हाथ और बंबई में खोपड़ी। बोलना हुआ कि वो पतिता नहीं है, इसी में हम सब लोगों का छुटकारा है। हर किस नहीं बोलूंगी। तुम्हारा लड़का तो गया समझो। बहन राजेश्वरी, पैसा डूब जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर कमा सकता हूँ, पदवी गई तो वोटों से हासिल कर सकता हूँ। बेटा मारा गया तो क्या होगा बहन? बुढ़ापे में पैदा भी नहीं कर सकूंगा। बहन अब मान भी जा बहन, नहीं तो मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। शर्त तो जानती हो ना, अपने भांजे को बचाना चाहती हो तो बुलंद आवाज में कहो कि मेरी मां पतिता नहीं, वो पतिव्रता है। बोलो। बोल बहन, जल्दी बोल। मुझे अकेली की आवाज से तो प्रतिध्वनि नहीं होगी कन्हैया, गांव वालों से ही बुलवाती हूं। इसकी मां पतिव्रता है? नहीं, नहीं, नहीं। अगर इसकी मां गांव लाती तो तुम क्या करोगे? मैंने 18 साल की उम्र वालों को वोट देने का हक देकर अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की अकलमंदी की हुई है, और एक झटका दूं? बीस साल पहले इस पर संगीन से वार किया, तेरी माँ ने और तेरे नाना को लेकर फरार हो गई। इस जुर्म में इसे अभी हथकड़ियां लगवाती हूँ। इंस्पेक्टर, बहन ये क्या? क्या बहन, मेरा बेटा उसके कब्जे में है, ये जानते हो तुमने ऐसा क्यों किया? माँ को छुड़ाने के लिए वो तुम्हारे बेटे को खुद लेकर आएगा। राजलक्ष्मी कहाँ है? वहाँ है। ए, तेरा नाम क्या है? विजय पांडे जी। 20 साल पहले तूने क्या देखा? इस राजलक्ष्मी ने सूरज को चाकू भोंकर मार डाला। नाम बोल। गौरी शंकर है जी। क्या बोलेगा रिकॉर्ड में? राजलक्ष्मी ने आपको स्टेशन पर चाकू से मारा और भाग गई है, मैंने देखा। पैसे की लालच में अनाप शनाप कुछ भी पकड़ा है। अरे बाप रे, मैं कुछ नहीं जानता, वकील साहब ने जो बोला मैंने वही बोल दिया। सूरज की औलाद कोर्ट में ऐसा बोलकर हम लोग को जेल में भिजवाएगा, बाहर निकल। कैसे गवाहों को लाए हो जी? ये मिनिस्टर का पर्सनल केस है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इन्हें कोर्ट में क्या बोलना है इसकी ट्रेनिंग मैं दे दूंगा। ये लो फाइल, चलो। राजलक्ष्मी, कल कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। बेल पेपर्स। बेटा, राजा। बेल पेपर्स तूने जलाए क्यों? बेल पेपर्स तुमने दिए क्या मुझे? मेरी ठुकाई क्यों करते हो? ठुकाई? मैंने कब ठुकाई की? जो गुनाह 20 साल पहले मेरी मां ने नहीं किया, लेकिन उसे गुनाहगार साबित करने वाले इस झूठी फाइल को बेल पेपर्स की तरह ही जलाना होगा तुम्हें। जलाओ। Ah!
कहीं है वो, ढूंढो उन्हें, बच के ना जा पाए। She's all right. रानी, क्या मुझसे ज्यादा तुम्हें उस राजा से प्यार है? हाँ, आखिरी बार पूछ रही हूं मैं, मां चाहिए या राजा चाहिए? राजा। फॉरेस्ट गई पुलिस को वापस आने को बोल दो, उन मां बेटे पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए भी बोल दो। जाओ। अच्छा बहन। बेटी ठीक है ना? मुझे और कुछ चाहिए? मुझे भेज दीजिए। कहाँ? जंगल में। इतना ही ना? हाँ इतना ही। जाओ बेटी जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ। 20 साल पहले इन्हीं दुष्टों ने मेरे मुंह भले भाई को प्रेम जाल में फांस कर उसके बाद उसे छल कपट से मार डाला। अब मुझसे मेरी बेटी को भी छीन रहे हैं। प्यार प्यार कहकर उसके पीछे भाग रही हो, लेकिन उसका प्यार सच्चा नहीं है बेटी। तुम्हारी दौलत हड़प करने का नाटक है, जान जाओगी जल्दी ही, तभी तुम्हें पता चलेगा माँ का प्यार। हमेशा आप ही ट्रेनिंग देते रहे हैं ना? भेज दो इसे जंगल में, भेज दो जंगल में उन दुष्टों के पास। Thank you.
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुम चाहो तो गांव वालों के सामने मैं बोल दूंगा कि मैं दो बाप की औलाद हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राजा, राजा, अरे मार दिया राजा। मस्तियों में झूमी हो क्यों आज रानी, ये क्या हुआ मेरी बंदो, अब तो कह दो हाँ हाँ ये तो क्या हुआ, दिल के नाचे आजा मैं और तू, अरे अरे हो दिल में है मेरे कब से तू, भोली बावरिया प्यासा मैं कब से हूँ प्यास बुझा दे तू, सनम जरा आज तो मेरे धक धक करते दिल में छाको,
भैया। जंगल में जानवरों से उलझने वाले जंगली तुझे मंत्री की बेटी चाहिए। जंगल में शेर को पछाड़ सकता है तू, लेकिन शहर की पुलिस की लाठियां बर्दाश्त नहीं होंगी तुझसे। तेरे गिरफ्तार होते ही ये प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी। तेरे कोर्ट से जेल पहुंचने तक के समय में मैं अपनी बेटी की शादी करवा के उसे विदा कर दूंगी। इंस्पेक्टर, ये गुनाह तुम्हें कबूल है? मेरे थोबड़े और उस इंस्पेक्टर के थोबड़े को देखिए, आपको किसका थोबड़ा देखकर लगता है कि चोर कौन है योर ऑनर? ऑर्डर ऑर्डर, ये मत बोलो कि तुम कोर्ट में हो। इस दिल को मंत्री अगर पहचान लेती तो यह कहानी कोर्ट तक ना पहुंचती, रामपुर गांव में ही खत्म हो जाती। पुलिस पर हाथ उठाना जुर्म है। पति का पत्नी पर हाथ उठाना जुर्म है, लेकिन कोई है यहां जिसने कभी अपनी पत्नी पर हाथ ना उठाया हो? बाप का बेटे पर हाथ उठाना जुर्म है, लेकिन कोई है यहां जिसने कभी अपने बेटे पर हाथ ना उठाया हो? पुलिस पर बेगुनाहों का हाथ उठाना जुर्म है, तो बेगुनाहों पर पुलिस का हाथ उठाना भी जुर्म है। बेल पेपर्स को पुलिस स्टेशन में सिगरेट लाइटर से जलाने वाले इस जल्लाद को पुलिस ऑफिसर कहते हैं। पुलिस वालों को अपने घर का कुत्ता समझने वाली राजेश्वरी गौरवशाली मंत्री है। ये रहे मनुष्य ने मनुष्य को दी हुई सजा के निशान, योर ऑनर। अगर उस लड़के ने मंत्री जी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कहा और कोर्ट ने एक्शन लिया तो महिलाओं के वोट तो मिलने से रहे। बजर बट्टू, महिलाओं के वोट तो समझे, उस लड़के का इंटरव्यू छप गया तो अपनी महिला मंत्री को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, राजेश्वरी पर एक्शन लेना ही होगा। I hate you. तुम मेरी माँ नहीं, चुड़ैल हो। ए लड़की खामोश, कुछ ही दिनों के बाद ये चुड़ैल तुम्हें देवी लगने लगेगी। फोन की घंटी बज रही है, उठाइए। उसे क्या सजा मिली है मालूम तो हो? हेलो, ऐसा क्या? उसे क्या सजा मिली? सजा उसे नहीं हुई है, तुम्हें हुई है। गवर्नमेंट मशीनरी को खुद के लिए मिसयूज करने के जुर्म में मुख्यमंत्री ने उखाड़ फेंका है तुम्हें मंत्री पद से। बोर्ड मेंबर से बोर्ड प्रेसिडेंट बनाया, एमएलए से मंत्री बनाया, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना मैंने देखा था वो केवल सपना ही रह गया। राजा के कोर्ट में दिए बयान से डूब गई लुटिया। बहुत अच्छा हुआ, अभी तो राजा ने पदवी से हटाया है, अब वो जेल भिजवाएगा। चुप हुई। ये दोनों बालिग हैं, इनके प्यार पर यकीन करके कल अगर कोर्ट इनकी शादी कबूल कर ले तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे बहन। ये बालिग है, कोर्ट में कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। अब तुम्हारे घूरने के दिन लद गए, अब तो मैं देख लूंगा तुम्हें। राजेश्वरी, हाँ? अब देर करने से कोई फायदा नहीं, 24 घंटे के अंदर इसकी शादी कर देनी चाहिए। करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ढंग का लड़का तो हो। कैसी बातें करती हो बहन, लड़का तो ये बैठा है। ये इस पागल से करने से तो उस दीवाने से करना बेहतर है। हा? कई सालों बाद सही बात की। मेरा बेटा पागल है, पदवी छूटते ही जबान फिसल गई। क्या पहले से तुमने यही इरादा कर रखा था? ओफो, काहे को बेकार की आर्ग्यूमेंट। मैं अपनी बेटी की शादी होम मिनिस्टर के बेटे से करवाने का ख्वाब देख रही थी। मैंने भी देखा था तुम्हारे पोस्टरों को मैदा लगाकर चिपकाने वाले इन्हीं हाथों से। ओपोजिशन के पोस्टरों पर गोबर भी मैंने ही फेंका था। रिगिंग करवाई, लूट मार करवाई, किसी भी तरह से तुम्हें जितवाया, कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चला, सिर्फ इसी मकसद से कि ये जायदाद किसी और की नहीं, सिर्फ मेरे बेटे की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई ठहरो, आगे कहाँ बढ़ रहे हो? गुंडे लोग मंत्रियों की भाषा नहीं मवालियों की भाषा समझते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाएंगे और शादी करवा के आशीर्वाद के लिए यहाँ ले आएंगे। लेते हो क्या करते हो? छोड़ो मुझे। रानी,
ओहो, टायर बदलो, चलो नीचे उतरो। सुनो जी, अमृत राम से अगर मेरी बेटी की शादी हो गई तो मैं मर जाऊंगी। तो मैं क्या करूं? पत्नी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते हैं ये हाथ। क्या मैं रैम्बो हूँ जो ये रस्सियां तोड़ सकूं? मजाक मत कीजिए, पहले यहाँ से बच निकलने की सोचिए। सुनो, मेरी जेब में लाइटर है, निकाल कर दो। लाइटर? यानी चोरी चोरी मुझसे छिपकर सिगरेट भी पीने लगे? चुप बैठ, वक्त बर्बाद न कर। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारी मनमानियों की वजह से ये सारी तबाही हुई है राजेश्वरी। चुपचाप जेब से लाइटर निकाल। निकालना ही होगा, जरा जेब नजदीक लाइए। जेब तक हाथ पहुंचता था खुद ना निकाल लेता। गजब हो गया। क्या हुआ जी? बम उड़ गया। सुनो जी कहो जी, मैं जल मरूंगी। क्या करूं? मैं चली जा रही हूँ। कोई चारा नहीं। बाप रे, आग बढ़ती जा रही है। अरे पापों की सजा। रानी, रानी, राजा बेटा, राजा हमें खोल दे बेटा। ये क्या राजा, हम मौत के मुंह में हैं। जियो या मरो, मुझे उससे क्या वास्ता। मुझे सिर्फ रानी चाहिए। ऐसी घूंघी क्यों बैठी हो? कहो, अगर औरत होते हुए तुम्हें इतना घमंड है तो वो तो फिर मर्द है। तुम कहो कि तुम बचाएगा, इस समय देर करने से स्वर्गीय राजेश्वरी हो जाओगी। राजा, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसे। हमें रस्सियों से चकर कर कन्हैया रानी की शादी अपने बेटे अमृत से करवाने जबरदस्ती ले गया। भले ही हमें ना बचाओ, रानी की शादी होने से रोक ले। पतिता और कातिल के बेटे से शादी कराने से तो बेहतर है कि उस कन्हैया के बेटे से ही हो जाए। दहेज में देश तो लिख कर दे सकती हो। राजा, आग नजदीक आ गई। तुम्हारी जोरू किसी आग से कम है क्या? अरे कर्मो जली उसे बोल बचाए, नहीं तो तेरे साथ साथ मैं भी जल मरूंगा। तुमको यहाँ पर भेजने का कन्हैया का प्लान है ये। रानी कहाँ है? मैं बता दूंगा। नहीं, नहीं बोलेगा तो मार डालूंगा। चलो। अरे अरे, हाँ बताता हूँ। इस जंगल के उस पार राम का मंदिर देखा है? उस मंदिर में ही शादी कराने गए हैं। क्या हुआ रे? डीजल खत्म। जानते नहीं, शाम के 7 बजे के बाद और इतवार के रोज डीजल नहीं मिलता। आज इतवार है, पहले चेक क्यों ना? बापरे, डैडी आज आ रहा है पीछे। स्टार्ट करो।
स्पीड बढ़ाओ। चिड़ियाघर की जानवर है इसमें, स्पीड बढ़ाऊंगा तो मर जाएंगे। अयो 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 ए रानी, ये राजा किसी भी कीमत पर हम दोनों की शादी नहीं देगा, इसके स्वागत तो बनाई लेता। Thank you.
दो, मुझे मत मारो। बोल, जान प्यारी है तो बोल, मेरे बाप का कातिल कौन है? बोल, 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 बोल। राजा, मैंने सूरज को नहीं मारा, हम लोग आपस में लड़ रहे थे कि उसी बकरा बकरी में ऊपर से उसका पांव फिसल गया और वो नीचे हाल के नोक पे गिर गया। उसकी मौत कल साहब आपने तुम्हारी मौत पे लगा दिया। मुझे मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो। अड़ोस पड़ोस वालों की नजर ना लगे, बाहर वालों की नजर ना लगे, थू 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 थू। अपनी नजर नहीं कहोगी? हाँ, मेरी नजर भी ना लगे, थू 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 थू। दू तो ना हो, पू तो फलो बेटी। अंदर चलो राजा। हाँ, चलो चलो। रुक क्यों गई राजलक्ष्मी, अंदर आओ। राजलक्ष्मी, मैंने कन्हैया के बहकावे में आकर तुम पर शक किया और अपमान किया। तुम्हें गर्व से आज मैं अपनी समधन कहती हूँ। अंदर चलो ना मेरी प्यारी समधन, आओ ना। दूल्हे राजा, तुम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हो, देख के रहे हो, टिकट दो। ये लो ना। अयो 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 अयो, मुझे अमीरी और ऐशो आराम में जीने की आदत नहीं है एक्स मिनिस्टर सासू जी। हम लोग अपना हनीमून स्विट्जरलैंड में नहीं, जंगल में मनाएंगे, चांदनी रात में। Thank you.